वेलकम टू नया लाइफस्टाइल। मैं हूं मरियम और हम आपको बताएंगे लॉलीवुड और बॉलीवुड की तमाम लेटेस्ट खबरें। इंडियन और पंजाबी अदाकार और सिंगर एमी विर्क भी पाकिस्तानी ड्रामे कैसी तेरी खुद गर्जी के फैन निकले। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की, उसमें देखा जा सकता है कि अदाकार गोल गप्पों के साथ पाकिस्तानी ड्रामे कैसी तेरी खुद गर्जी को एंजॉय कर रहे हैं। कैसी तेरी खुद गर्जी ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल है जिसमें दानिश तैमूर, दुर्रे फिशा सलीम और नुमान एजाज अदाकारी के जोहर दिखा रहे हैं। कैसी तेरी खुद गर्जी पाकिस्तान में सबसे मकबूल ड्रामा है, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि भारत में भी इसके फैंस हैं। जी हाँ, ज़राए के मुताबिक ये फिल्म इंडिया में 23 दिसंबर को रिलीज की जाएगी, लेकिन फिल्म की टीम की जानिब से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने आलमी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ कमाए थे। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म अब इंडिया में भी धूम मचाने को तैयार है। भारत में लेजेंड ऑफ मौला जट की रिलीज के साथ इस बात का भी इम्कान है कि दोनों मुल्कों की फिल्मों की रिलीज पर पाबंदियां आसान की जाएंगी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने उम्र की सआदत हासिल कर ली। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें शाहरुख खान एहराम बांधे हुए मस्जिद हराम में है। शाहरुख खान को उम्र की अदायगी पर बेतहाशा लोगों ने मुबारकबाद दी। किंग खान काफी अरसे से सऊदी अरब में थे, वो वहाँ अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग में मसरूफ थे। शूटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम में सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद उम्र अदा किया। आखिर कहां से आई अंगूठी, किसने पहनाई अंगूठी, क्या वाकई सलमान खान ने मंगनी कर ली? तो जनाब मामला ये है कि सलमान खान है इस वक्त दुबई में आईफा अवार्ड सेरेमनी के लिए और वहां से आई कुछ तस्वीरें जिनमें दबंग खान ने मिडल फिंगर में पहन रखी है ये अंगूठी। पहले लोग बात किया करते थे ब्रेसलेट की, मगर अब सब कर रहे हैं जिक्र इस अंगूठी का। उनका कहना है कि यह मंगनी की अंगूठी है, मगर इंडियन मीडिया के मुताबिक ये रिंग सलमान खान के वालिद सलीम खान ने गिफ्ट की है उन्हें। समी खान की नई फिल्म 11वें पूरे पाकिस्तान में स्क्रीन की जा रही है। 11वें नई पाकिस्तानी फिल्म है जिसमें समी खान, अलीजे नासिर, जावेद शेख, फिजान ख्वाजा, मरीना खान और अली सिकंदर शामिल है। 11वें एक रोमांटिक कॉमेडी है जो सानिया, अरमान और समीर की कंफ्यूजिंग मोहब्बत और दोस्ती के गीत घूमती है। सानिया दुबई से थाईलैंड से जॉर्जिया का सफर करती है और फिर अपने आप को इस मोहब्बत में उलझा हुआ पाती है। फिल्म के गाने पहले ही फैंस के दिलों को भा चुके हैं। कार्तिक आर्यन की नई फिल्म फ्रेडी फैंस में बहुत मकबूल हो गई। फ्रेडी भारत में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली कार्तिक की नई फिल्म है। इससे अब तक फैंस की तरफ से सिर्फ अच्छा ही रद्दअमल मिला है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो डॉक्टर फ्रेडी गेंदवाला के गिर्द घूमती है, जो कि एक शर्मीला सा डेंटिस्ट है। फ्रेडी को अपने एक पेशेंट किनाज रानी से प्यार हो जाता है। कार्तिक आर्यन कम अज कम 5 मजीद फिल्मों में काम कर रहे हैं जो आने वाले साल में रिलीज की जाएंगी।